क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस का, देखते हैं। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बलून फ्रॉम टू कंसेक्यूटिव किलोमीटर्स स्टोन अलोंग अ रोड 30 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, देन द हाइट ऑफ द बलून अबव द ग्राउंड विल बी। देखिए ये आपका एक बलून उड़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल एच हाइट से ऊपर, और यहां से आपने इसको देखा एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर 1 किलोमीटर का दूसरा कंसेक्यूटिव स्टोन आया, बीच में गैप 1 किलोमीटर है, यहां से आपने इसको इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हुआ, तो पहला वाला आपको दे रखा है ये थीटा 30 डिग्री, ठीक है, और दूसरा वाला कितना है 60 डिग्री, ठीक है, और आपसे पूछा है कि कितने अबव ये हाइट बैलून है, तो मतलब ये एच आपसे पूछा है। चलिए तो मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ ए बी सी एंड डी। देखिए ट्राइंगल एबीसी को उठाते हैं, ट्राइंगल एबीसी तो 1060 क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी और √31, सो ए बी रेशियो बी सी इज √31, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल उठाया आपने, ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी यहाँ पर 1030, तो 1030 की वैल्यू यहाँ से होगी ए बी अपॉन बी डी। अब देखिए 1030 होता है 1/√3, तो मैं ए बी रेशियो बी डी लिख सकता हूँ 1:√3। देखिए दोनों में ए बी कॉमन है, बट ए बी की वैल्यू तो कॉमन नहीं है, तो ये 1 है, ये √3 है, तो इसको सेम करने के लिए अपन ने क्या करा, √3 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो नया रेशियो बन गया √3:3। अब हमको गिवन क्या, हमको गिवन है सी डी, सी डी है 1 किलोमीटर। चलिए और सी डी की वैल्यू डायरेक्ट तो है नहीं अपने पास, तो सी डी हम कैसे निकाल सकते हैं, सी डी निकाल सकते हैं बी डी माइनस बी सी से। BD देखिए क्या है रेशियो में, BD BD इज 3, BD इज 3, BC इज 1, तो ये 1 के इक्वल, 3 माइनस 1 2, तो 2 1 यूनिट के इक्वल, तो 1 किसके होगा 1/2। आपसे पूछा क्या है AB, क्या पूछा है आपसे ये AB, तो AB का देखिए क्या है रेशियो, AB का रेशियो क्या है √3, तो आप √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा √3/2। क्लियर है वाली बात, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट।